खबरों जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ईवा ग्रुप की महिलाओं ने किया कार्यक्रम आयोजित। आष्टा की ईवा फ्रेंड्स ग्रुप की महिलाओं ने रविवार को स्थानीय होटल में कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं द्वारा सेवानिवृत्त फौजी भाइयों को राखी बांधी। बालिकाओं ने तिलक लगाकर फौजियों को बांधी राखी। जी हां, वहीं ईवा फ्रेंड्स ग्रुप की अध्यक्ष मीनू सुराणा ने कहा कि अपने घरों से दूर कैंप में तैनात जवानों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित कर मन को बहुत खुशी हुई। प्रेम का प्रतीक राखी बांधने वाली बालिकाओं ने कहा कि यह रक्षाबंधन बहुत खास रहा। उन्हें अपने रियल हीरो को राखी बांधने का अवसर जो मिला। वही देशभक्ति गीतों ने बांधा समा। आष्टा के उभरते हुए संगीतकार सोना चौरसिया ने कार्यक्रम से अपनी सुरीली आवाज से समा को बांध दिया। जी हां, इस मौके पर ईवा फ्रेंड्स ग्रुप के अध्यक्ष मीनू सुराणा, राधा भोजवानी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मीना सिंघी, पत्रकार किरण राका, कविता चंद्रवंशी, मीना पारक, रजनी जैन, वंशिका ठाकुर, रिया भोजवानी, सपना सिंघी, सरोज सिंघी, अनीता भट्ट पार्षद, तमन्ना जैन, वहीं अन्य ईवा फ्रेंड्स ग्रुप की महिलाएं और पूर्व पार्षद कालू भट्ट, गीतकार सोना चौरसिया मौजूद रहे और संचालक संजय दीक्षित ने किया। भाई साहब, रक्षाबंधन प्लस 15 अगस्त दोनों त्योहार एक साथ आ रहे, इस विषय को देखते हुए हमने सोचा कि चलो फौजियों के लिए कुछ प्रोग्राम रखा जाए। और प्रोग्राम तो सब रखते पर फौजियों के लिए शायद कोई नहीं रखता है। ये नया हमने सोच की विषय को रखा आएगा और हमें बहुत खुशी हुई। आज फौजी भाई हमारे लिए एक समय निकाल के और हमें टाइम दिया और हमें सभी ने हमारा सहयोग करा। हमने सभी की आभार हूँ, सबने मेरे प्रोग्राम को सफल बनाया, हमारे युवा ग्रुप के पूरे प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं सभी सदस्यता की ओर से सभी को आभार धन्यवाद देती हूँ। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।